सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम। मैं नागपुर से डॉक्टर सतीश शंभरकर इस धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के पावन अवसर पर मेरे परिवार और मेरी शैक्षणिक संस्था भागीरथा भास्कर अनुसूचित जाति जमाती शिक्षण संस्था की ओर से सभी को इस अवसर पर लाखों बधाइयां देता हूँ। आप सभी को विदित है कि 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने नागपुर में दीक्षा भूमि पर हमें धम्म की दीक्षा दी और हमें सभी प्रकार की गुलामियों से मुक्त कराया। हम जानते हैं कि बाबा साहब ने हमें धम्म दीक्षा क्यों दी और बुद्ध धम्म में दीक्षा क्यों दी, क्योंकि बुद्ध धम्म ये वैज्ञानिक है और तर्कसंगत है। उसमें किसी भी प्रकार का अंधश्रद्धा या किसी ईश्वर पर विश्वास यह अनिवार्य नहीं है। साथ ही हमें अपने आर्थिक बौद्धिक शैक्षणिक विकास के सुअवसर को प्राप्त करने की हमें उपलब्धि प्रदान करता है। इसलिए बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को हमें धम्म की दीक्षा दी। आज हम संसार में हर प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं। हम एक इंसान का दूसरे इंसान से नाता जो है वो कमज़ोर होते जा रहा है। इसीलिए हमें आज ज़रूरत है कि बौद्ध धम्म की शिक्षाएं जो बाबा साहब ने बुद्ध और उनका धम्म में दी है, जैसे प्रज्ञा, शील, करुणा, मैत्री आदि का हमें अपने जीवन में अविरत अभ्यास करना होगा और हमें अपने जीवन में उसे उतार कर और विकसित करने की ज़रूरत है। इसके लिए हमें पूरा प्रयास से काम करना होगा। यह अगर हम कर पाएंगे तो मैं सोचता हूँ कि हम संसार में, अपने जीवन में, संसार में और समूचे देश और विश्व में एक सुख शांति का वातावरण और समृद्धि का वातावरण निर्माण कर पाएंगे। आओ हम सब मिलकर इस वसुंधरा को हम फिर से सुजलाम सुफलाम बनाएं और बुद्ध धम्म की ओर सभी मानव जाति को लेकर जाएं। इस अवसर पर मुझे मैत्री इंडिया के निर्माता वामन सोमकुवर जी का मैं शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मैत्री इंडिया या यूट्यूब चैनल के माध्यम से बाबा साहब और बुद्ध धम्म के विचार समूचे विश्व में प्रसारित कर रहे हैं। उनका मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।